Bring me, then you can basically. I'm also here, so you can. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार आप सबको। आज हम शूटिंग रेंज पर हैं और ये मेरा खेल है, ये मेरी मेरी गन है, ये कारतूस, ये ओलंपिक खेल है और इसमें इसमें ऐसे टारगेट्स होते हैं, इसमें ये टारगेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क, और ये हवा में उड़ती हुई जाती है। इसको एक मशीन है जो आगे फेंकती है और इसको जब ये हवा में होता है तब इसको आपको मारना होता है। सबको राम राम, सबको नमस्कार। सोनू, जितेंद्र, आप सबको हेलो। अच्छा, मैं आपको पहले परिचय करता हूँ रेंज का। मैं कैमरा टर्न करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये है शूटिंग रेंज। इसके अंदर मशीन है जो घर सा बना हुआ है। ये जो सामने सीमेंट आपको दिख रही है, इस सीमेंट के नीचे मशीनें हैं, सारी मशीनें हैं। और ये एक ओलंपिक खेल है और इसके अंदर स्कीट, ट्रैप और डबल ट्रैप होते हैं। आप शूटिंग देखना चाहेंगे? आज प्रचार तो पूरा ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा वापस खेलों की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये इसके नीचे मशीन्स हैं, मशीन्स। ये देखिए, ये सारी मशीन्स हैं, सारी मशीन्स। इस ये मशीन्स टारगेट को फेंकती हैं। फुल बहुत सुंदर एरिया ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यह है 12 बोर गन और ये कारतूस इसमें जाता है। ये इसका एक्शन, ये इसकी बैरल। आइए शूटिंग करते हैं। शाकिर, सिंगल, फुल। फुल। बोल, दिखाई दे रहा है? बेसिकली अलाइनमेंट शूटिंग। इस स्पोर्ट के अंदर टारगेट उड़ता है और आपको इस गन को अलाइन करना होता है, और इस स्पोर्ट के अंदर आपको दोनों आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। आप दोनों आंखों से देखते हो कि टारगेट कहाँ जा रहा है, आपकी आपकी गन भी उस टारगेट के साथ मूव करती है और आप शूट करते हो। फिर से दिखाता हूँ। Bring it. Pull. महावीर जी कैसे हैं? वीरेंद्र, थैंक यू वीरेंद्र जी। एंड पवन सिंह, हनुमान, रिकी, आशीष, थैंक यू सो मच। ओके, सो
कोई ना कोई खेल हमें सबको खेलना चाहिए। एक एनर्जी रहती है, इस एनर्जी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। और मैं जब जाता हूँ गांव के अंदर, कहीं पे भी यूथ में ज़बरदस्त ऊर्जा रहती है। कल हमने एक कार्यक्रम करा था, सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे तक यूथ की एनर्जी पूरी हमारे साथ थी। अब उसको कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। अगर आप स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ खेलें, अपने आप को फिट रखें, तो खुद भी फिट रहेंगे और आपके आसपास का वातावरण भी बहुत बढ़िया रहेगा। और उस एनर्जी से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं खुद के लिए। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चुनौती हमेशा आती है। कुछ भी आप करेंगे, अगर आसान काम करेंगे तो चुनौती नहीं आएगी, लेकिन आसान काम से आप कहाँ पहुँचेंगे। कोई मुश्किल काम होगा तो चुनौती रहेगी, और चुनौती रहेगी इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। एनी टाइम आपको लगता है कि चैलेंज है लाइफ में, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सम मोर शॉट्स। भाई मैं आपको शाकिर डबल, अब मैं 2 शॉट्स फायर करने वाला हूँ, 2 टारगेट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एंड आई विल शूट बोथ ऑफ देम। फुल अनदर 2 शॉट्स। अच्छा वैसे मेरी प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पिछले 2-3 साल से, तो आपको पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, शूटिंग रेंज पे नहीं आता। लेकिन एक बार आपको शूटिंग आ जाएगी, जीवन भर आप कभी भूल नहीं सकते। पुल, नॉट बैड। हाँ अच्छा, इस बार बिना एम के ट्राई करता हूँ, बिना एम के। शाकिर सिंगल। अच्छा एम नहीं करूँगा मैं, अभी तो मैं गन को ऊपर चढ़ा रहा था और गन के साथ मूवमेंट कर रहा था मैं। इस बार बिना एम करे, सिर्फ यहीं से। पुल, नॉट बैड। फिर से पुल, दैट्स इट। अच्छा आप में से कुछ पूछ रहे होंगे कि ये हवा में टारगेट जा रहे हैं, मैं बिना एम करके कैसे मार रहा हूँ। एक तो प्रैक्टिस है, लेकिन ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। क्रिकेट खेलते हैं जब स्लिप में कोई खड़ा होता है और बॉल को कैच करता है, तो जहाँ बॉल जाती है हाथ अपने आप चला जाता है ना, उसी तरह से ये भी है। जहाँ पे टारगेट जा रहा है, ये गन मेरी अपने आप उस पर चली जाएगी, क्योंकि मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ। जैसे हम पॉइंट करते हैं किसी को, वो देखो या वो देखो ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी उंगली सीधी वहीं जाती है ना। उसी तरह ये गन है, ये गन अपने शरीर का एक हिस्सा बन जाती है, और शरीर का हिस्सा बनने के बाद जहाँ पर भी मैं पॉइंट करूँगा, ये गन वहीं जाएगी। फिर से डबल डबल शाकिर। शाकिर मेरा दोस्त है, नीचे बैठा हुआ है, मशीन को ऑपरेट कर रहा है। डबल पुल, पुल। हाँ सुशील गुर्जर हैं, हाँ वो कोटपुती से पूछ रहे हैं, आप इतनी उम्र में भी फिट कैसे रहते हैं, थोड़ा युवाओं को बताएं, हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। सुशील गुर्जर पूछ रहे हैं कोटपुतली से कि आप फिट कैसे रहते हैं। सुशील, एक तो फौजी हूँ और दूसरा खिलाड़ी हूँ, कॉम्बिनेशन डेडली हो गया ना। अब डेडली कॉम्बिनेशन के अंदर जब मैं कभी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ और यहाँ पे तोन निकली होती है, तो अच्छा ही लगता। ऊपर से आदत वही है खिलाड़ी की और फौजी की, तो ताकत रहनी चाहिए हर समय। अब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन तुम जैसे तगड़े नहीं है यार, तुम अपने यूथ में हो। यूथ में देखता हूँ जब कोटपुतली में या विराट नगर या कहीं पर भी शाहपुरा, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है, और तुम सबको एक ऐसा ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए
कि अपनी फिटनेस भी करो, खेलो और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। एक बार एक एटीट्यूड आ जाए ना, विनिंग एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, आप ये विराट कोहली जाता है खेलने के लिए, सचिन तेंदुलकर कहीं जाता है खेलने, हमारे जब चैंपियंस जाते हैं, एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए कि मैदान में उतरने से पहले जीतना है, मैदान में उतरने से पहले, बाद में नहीं, बाद में तो अपने आप जीत पीछे आती है। ओके, टू शॉट्स या सिंगल शॉट? टू शॉट्स। शाकिर डबल। अच्छा वैसे भी लाइट ख़त्म होती जा रही है तो हमें जल्दी से शूटिंग करनी है। डबल नाउ, फुल। फुल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये यश राव पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए आप स्कीम्स ऐसी बनाइए जिसमें बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, जैसे यूएसए और रशिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इसको यशराज, प्रैक्टिस। इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता, क्या है मेरे ऊपर अभी बहुत पाबंदियां लगी हुई हैं आचार संहिता की और कोड ऑफ कंडक्ट में, क्योंकि मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं ये बात नहीं कर सकता कि किस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई हुई है। बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये शेल है और इस शेल के अंदर गोली है जो हवा में जाती है और ये टारगेट को मारती है। ये जाते हैं उड़ते तेज, ओके फिर से डबल। पुल। आज तो मैं मिस ही नहीं कर रहा कुछ, क्या चक्कर क्या है? काफी आज आप सबका लक मेरे साथ चल रहा है। अच्छा वैसे लक नहीं, वैसे तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन कितने सालों बाद मैं चला रहा हूँ बंदूक को, बीच में एक आध बार चलाई है, ज्यादा नहीं चलाई। पुल। ओके सो वॉरियर 1632 इज आस्किंग ऑन इंस्टाग्राम सर हाउ कैन एन एवरेज गर्ल टेक शूटिंग ट्रेनिंग एज एक्सपेंसिव बहुत है। सो वॉरियर, सबसे पहले तो एवरीवन मस्ट स्टार्ट विद एन एयर राइफल। सबसे जो शुरुआत में जो बंदूक इस्तेमाल करनी चाहिए वो है एयर राइफल, और एयर राइफल के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं पर भी दुकान में, स्पोर्ट्स की दुकान में जाके एयर राइफल ख़रीद सकते हैं। एयर राइफल ख़रीद के उस पर प्रैक्टिस करिए कि आपकी बेसिकली गन में क्या है, होल्डिंग है, गन गन को पकड़ना, गन को कैसे पकड़ना, होल्डिंग। दूसरा है एमिंग। एमिंग क्या है, यहाँ से यहाँ पर आपकी आँख होगी, आँख यहाँ से इसके साथ साथ चलेगी, इसके साथ साथ ये एमिंग हो गई आपकी। और तीसरा है ट्रिगर ऑपरेशन, ट्रिगर, इसको ट्रिगर को मैं कितने स्मूथली मैं दबाऊंगा, ये तीन चीज़ें हैं। तो होल्डिंग, एमिंग और फाइनली ट्रिगर, ये तीन चीज़ें आप सीखोगे उसके ऊपर। और एयर राइफल से जब आप शुरू करेंगे वो, और वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, एयर राइफल से महंगी नहीं होती, जब एयर राइफल से शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे आप फ्लाइंग टारगेट्स में आ सकते हैं जहाँ पर आपके टारगेट हवा में उड़ते हैं और आप उनको मार सकते हैं। ओके नाउ आई विल ट्राई अगेन विदाउट एमिंग। ओके अप फॉर विदाउट एमिंग। शाकिर सिंगल। पुल। नॉट बैड। ओके ये लक मुझे कल चाहिए वैसे, कल भी। ओके पुल। हाँ गौरव क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द स्टार्टिंग एज लिमिट फॉर किड्स फॉर दिस स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स तो गौरव कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, हम स्विमिंग है जैसे, जिमनास्टिक्स है, वो तो हमें बहुत यंग एज पे शुरू करना चाहिए, और अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग एज होती है। अब वेट ट्रेनिंग है या वेट लिफ्टिंग है, उसकी एज बाद में आती है, लेकिन जिमनास्टिक्स, स्विमिंग, फुटबॉल, ये सब हम बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं।
शूटिंग एयर राइफल से शुरू करनी चाहिए, और शूटिंग के अंदर सबसे पहले कोई ना कोई सुपरवाइज़र ज़रूर होना चाहिए आपके आसपास। और एक बार जब आप सीख लेते हैं उसके बाद में तो आप खुद कर ही सकते हैं। और ये जयपुर में हमने एक शानदार रेंज बनी हुई है, यहाँ पर आपके आकर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके डबल पुल, हाँ इस बार ध्यान हट गया मेरा, एक शॉट लगा, अब दोनों लगेंगे इस बार, दोनों पुल। ओके वापस से विदाउट एमिंग सिंगल, ओके सिंगल शाकिर पुल, पॉजिटिव शॉट, कृष्णा व्हाई गवर्नमेंट डजंट प्रमोट बॉडी बिल्डिंग, करती है बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग इज ऑल्सो अ वेरी टफ स्पोर्ट। आपको अगर पता हो तो एशियन गेम्स बुसान 2006 में बॉडी बिल्डिंग वॉज पार्ट ऑफ एशियन गेम्स, और शानू संजय सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच हितेश, ऑल ऑफ यू। ओके व्हाट डू यू वांट टू वॉच, शुड आई शूट मोर और शुड आई टॉक मोर, कैन माई डॉटर लर्न, हे दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, क्या है सवाल, ऊपर जाता रहा है नीचे नहीं, हाँ आया आया, व्हाई इज नॉट कैन माय, मेरे को मिल ही नहीं रहा, एक सवाल था कैन माई डॉटर लर्न समथिंग, वो देख नहीं रहा मेरे को कहाँ चला गया। पवन जी पूछ रहे हैं मेरा बेटा एक कबड्डी प्लेयर बनना, कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है बेटा, ओके एज क्या है, कबड्डी प्लेयर बनने चाहते हैं आपके बेटे, और एज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि उस हिसाब से डाइट इज इम्पॉर्टेंट। गाइस हाउ आर यू ऑल डूइंग, ओके फ्यू मोर शॉट्स एंड लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अपने आप को फिट रख के स्पोर्ट्स खेलते हुए वी ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रांग फॉर आर कंट्री, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिसमें देश का भी हित हो। एंड कल कुछ एक जगह वोटिंग होने वाली है तो प्लीज़ गो आउट एंड वोट, किसी को भी वोट करिए जिसको भी आप लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन वोट जरूर करना, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश तो हमारा ही है ना, किसी और का तो नहीं है, इस देश का कॉन्ट्रैक्ट हम किसी और को दे नहीं सकते चलाने के लिए, हम ही पे जिम्मेदारी है, सो वी मस्ट गो आउट एंड वोट। दिस इज़ माई अपील टू ऑल ऑफ यू जो भी इसको देख रहे हैं, दैट कल के दिन जितने भी हैं जो वोट डाल सकते हैं, यू मस्ट गो आउट एंड वोट, आप ज़रूर वोट करिए, और अपने साथियों को भी लेके जाइए, अपने परिवार को भी लेके जाइए, सबको साथ में लेके जाइएगा। आई विल शो यू सम मोर शॉट्स नाउ। निशा शिखावत ऑन इंस्टाग्राम हैज पुट अ जोक सेइंग द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट सर। यस एब्सोल्युटली बैलेट इज वे स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट, बुलेट की तो कोई औकात ही नहीं है बैलेट के सामने, द बुलेट फॉलोज द बैलेट, द आर्मी फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्हाट द पीपल डिसाइड। ओके डबल शाकिर डबल पुल, पुल। अच्छा इस बार मैं बहुत तेज चलाऊंगा, अभी जो भी मेरी टाइमिंग ना ठक ठक, इस बार मैं बहुत तेज चलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है, बहुत तेज चलाऊंगा मैं पुल। ओके वन बट इस बार देखते हैं, पुल दैट्स गुड। अपूर्व सिंह ऑन इंस्टाग्राम आस्क सर गिव मी सम टिप्स टू क्लियर एसएसबी फॉर आर्मी,
अपूर्व अपूर्व, एक तो नॉलेज होनी जरूरी है, तो अखबार पढ़िए, टेलीविजन अखबार पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, ब्रॉडन योर होराइजन, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सब चीज़ों के बारे में होनी चाहिए, और अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करिए। सो हिंदी का अखबार हो उसको थोड़ा सा ज़ोर से पढ़िए, अंग्रेजी का अखबार हो उसको ज़ोर से पढ़िए, तो आपकी बोलने की जो क्षमता है वो और बेहतर होगी। और बी योरसेल्फ, आप जब कुछ और बनने की कोशिश नहीं करते तो आप सुपर कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप कोई और बनने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो वो दिखने भी लग जाता है कि यू आर नॉट योरसेल्फ। तो वहाँ जाइए और कॉन्फिडेंस से बात करिए, आप जो हैं वो करिए, और जहाँ आपको लगता है आपको सवाल नहीं आता वहाँ कॉन्फिडेंटली बताइए कि मुझे नहीं पता, मैं सीखने की कोशिश करूँगा। हमने ये कौन सा खेल पैदा होते ही सीख कर आए थे, हमने भी धीरे धीरे सीखा है इस खेल को। शिवम भल्ला वाज आस्किंग, सर कैन माय डॉटर लर्न शूटिंग, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? यस शिवम, सिंगल शाकिर, शाकिर सिंगल, शिवम यू कैन, यू कैन डॉट अप, जैसे मैंने कहा एयर राइफल से स्टार्ट कराइए, और एयर राइफल से स्टार्ट करा के, और कहीं किसी से, आजकल तो बहुत कोच मिल जाते हैं शूटिंग के अंदर। पुल 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 रस्टी, ओके डबल शाकिर डबल पुल पुल, आह दैट्स अ मिस फायर, दैट्स अ मिस फायर, मिस फायर में मैंने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने के बाद भी ये फायर नहीं हुआ, इसके ऊपर यहाँ चोट लगी हुई है लेकिन ये फायर नहीं हुआ। ऐसा होता है, और ऐसा मैच में सिर्फ दो चांस मिलती हैं, मतलब 150 टारगेट होते हैं, 150 टारगेट में से दो बार ऐसी चांस मिल सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलती, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है इन प्रोफेशनल गन्स में। ओके टू शॉट्स पुल ओके लास्ट फ्यू शॉट्स पुल लास्ट टू शॉट्स आई विल ट्राई एंड शूट एक्सट्रीमली फास्ट, फास्टर देन व्हाट आई वाज शूटिंग पुल थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिम्मेदारी समझिए, जीवन में कुछ आसान नहीं होता, सब कुछ मेहनत से आता है, और जो चीज़ आसान होती है वो कुछ खास नहीं होती, तो आप मेहनत करिए और देश के लिए भी थोड़ी मेहनत करिए, और देश के लिए जो मेहनत कर रहा है उसको चुनिए,